खेती कानूनों के खिलाफ डटे किसानों से सरकार की खोर मार। पंजाब पेंडू खेतर दियां 300 दाना मंडियां आज तो बंद। फैसले तो पड़के किसान। पंजाब मंत्रिमंडल वालों 36,000 कच्चे मुलाजमन पक्के करन दी मंजूरी। दरिया के रेते का रेत 5.5 रुपए प्रति फुट किया गया तय। आज मुड़ कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री चन्नी लेंगे अहम फैसले। पंजाब के नवे एडवोकेट जनरल की जल्द होगी नियुक्ति। एपीएस देओल का इस्तीफा मंजूर। नवे डीजीपी की नियुक्ति लई सरकार केंद्र को भेजेगी पैनल। जबकि सीएम सुखजिंदर रंधावा के जवाई नूं एडिशनल एजी लाने के फैसले नूं फतेहजंग बाजवा ने दस्या गलत। कहा घर घर नौकरी थां अपने चहेते नूं नौकरी दे रही है सरकार। 2022 दीआं पंजाब विधानसभा चोणां तों पहलां आम आदमी पार्टी नूं वड्डा झटका। बठिंडा देहाती हल्के तों आप विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने पार्टी की मुढ़ली मैंबरशिप तों दित्ता इस्तीफा। साबका जज ते आप आगू मंजू राणा ने कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत ते भद्दी शब्दावली वरतण दा लगाया इल्जाम। कपूरथला पुलिस नूं कीती शिकायत। राणा गुरजीत दा इल्जामां तों इनकार। मोगा के कस्बा निहाल सिंह वाला पहुंचे मंत्री राणा गुरजीत सिंह का होया विरोध। खराब नरमे की फसल के मुआवजे की मांग लैके किसानों ने किया घेराव। 29 नवंबर तो संसद का घेराव करेगा संयुक्त किसान मोर्चा। टिकरी ते गाजीपुर बॉर्डर तो 500 किसानों का जाएगा जत्था। मोर्चे की बैठक दौरान चुड़वनी समर्थकों ने किया हंगामा। अमृतसर के सुल्तान मिंट रोड इलाके नौजवान की खुदकुशी मामले मुलजमान खिलाफ केस दर्ज। कांग्रेसी विधायक बुलारिया के पीए एएसआई सने 5 लोगों से दर्ज हुई एफआईआर। हरसिमरत कौर बादल वालों श्री करतारपुर साहब को भारत में शामिल करने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र। कहा बंद पै लांघा तुरंत खोलिया जाएगा।